भगवान, आपने हमें हमारा करण लौटाकर हमें नई जिंदगी दे दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। प्रार्थना तो करिए। करें ये एक्सीडेंट हुआ था, लग गई थोड़ी सी। डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, बिल्कुल ठीक। दिखा चुका हूँ बाबा, सब ठीक है, चलो। आ गए मना के, अब केक काट ले। कब से वेट कर रहे, इतना टेस्टी लग रहा है केक, यार केक काट दे। यस। अब पहले कैंडल। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Karan, happy birthday to you. भाई मैंने आज एक चीज तो समझ ली अच्छी तरह कि लाइफ में ना अपनी बीवी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीवी से भी डांट पड़ती है, अपने घर वालों से भी डांट पड़ती है और बीवी के घर वालों से भी डांट पड़ती है। एक बात तो मैंने भी देखी, ये मुंबई नगरिया कुछ अजीब है। पिछली बार जब करण वापस आया था तो कैसा अजीब सा बन के आया था, और इस बार जब वापस आया तो बिल्कुल फिट, अच्छा लग रहा है। लगता है इस नगरिया में तो जरूर जादू है। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वहां जाने के बाद पूरा का पूरा इंसान बदल जाता है, नहीं करण? सही कह रही हैं आप मासी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि पूरा का पूरा इंसान बदल जाता है मुंबई में। आप गई हैं कभी? जिस दिन पापा को आपका ये असली चेहरा दिख गया ना, उस दिन सब खत्म। सीधी तरीके से साइन कर। इनफैक्ट अगली बार मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, मुझे लगता है आप थोड़ी सी और अच्छी हो जाएंगी। अच्छा करण, आज के बाद मुंबई आना जाना बंद। तुम अब आभा के साथ रहोगे और उसका ख्याल रखोगे। करण, अब तुम्हें आभा का पूरा ख्याल रखना होगा। इसकी सारी बातें माननी होगी अब। हाँ बेटा, अभी तो आभा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। हाँ ध्यान तो मैं रखता ही हूँ, लेकिन ये क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप लोग? हर बात माननी पड़ेगी आभा की। हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन बात क्या है आभा, हुआ क्या? अरे बोलो। करण वापस आ गया है, अब मुझे बहुत सावधान रहना होगा। ये दुष्यंत किसी काम का नहीं, भेजा था इसे मारने के लिए और खुद हॉस्पिटल में पड़ा है, और ये यहाँ सही सलामत वापस आ गया। बात क्या है आभा? अरे बोलो ना, बात क्या है? तो इसीलिए सब लोग कह रहे थे कि आभा का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। आभा के नखरे सहने होंगे। क्या बात है, आपने तो हमें बताया ही नहीं।
करण, ये बच्चा हमारे लिए बहुत लकी है। शायद हमारा बच्चा भी यही चाहता था कि उसके पापा जल्दी आ जाए, और अब आ गए। करण, हमें ये बताइए कि एक्सीडेंट के बाद आप हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? पता नहीं मुझे, अब मैं बेहोश था, मुझे कौन कब हॉस्पिटल ले गया मुझे पता ही नहीं चला। पर जब आपको होश आया, जब आपको सब कुछ पता चला, तब आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अभा, उसमें मेरी कंडीशन ऐसी थी, मेरे पास मेरा फोन नहीं था और हालात सब ऐसे हो। ठीक है, बस अब आ गए ना, नहीं काफी है। आप जानते नहीं आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ है। हमने हर जगह ढूंढ लिया आपको, जहां हम अकेले ढूंढ सकते थे। हम पुलिस स्टेशन गए, पूरे मुंबई में हमने, पर आप हमें कहीं नहीं मिले। पापा की तबीयत खराब हो गई, मासी ने माँ को कहीं छुपा दिया था, इसलिए हम उन्हें भी कुछ नहीं बता पाए। और फिर भगवान ने हमें सिद्धार्थ जी से मिलवाया। करण, सिद्धार्थ जी एकदम आपके जैसे दिखते हैं, हूबहू। पहले तो हम भी धोखा खा गए थे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमारे कहने पे वो हमारे साथ यहाँ भी आए, और उन्हीं के वजह से माँ और स्वर्ण भवन हमारे पास है। उनके बिना पता नहीं हम क्या करते। वो करिश्मा को देखा आपने, नीचे वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनने? हाँ हाँ, वो सिद्धार्थ जी की गर्लफ्रेंड है। वो उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, और हमारा झूठ किसी को पता ना चले, इसलिए हमने कह दिया कि वो आपके कॉलेज की कोई दोस्त है। आप साथ में कुछ प्लेस वगैरह कर, समझ में नहीं आया। करण, एक बार हमने आपको याद किया, अब कैसे हैं, कहाँ हैं, एक बार कैसे हमने गुजारा है, हम नहीं जानते। बस आवा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोच के परेशान नहीं होना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। चलो, हम ध्यान रख रहे हैं करण। देखे तुसे क्या क्या दवाइयां दी हैं डॉक्टर ने, देखो। चलो तुम आराम करो, तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। ऊपर चलो, बैठो 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 बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेके आता हूं। नहीं, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस दूध लेने जा रहा हूँ, आराम करो। करण, सिद्धार्थ जी, हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? बस भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी बने, बहुत बहुत बड़े सुपरस्टार बने। सबसे पहले जो इस घर में गलत हो रहा है, उसे रोकना होगा। मासी का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। हाय 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 जी, क्या हो गया, कैसे हो गया? क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? कहाँ कहाँ लगी? टाइम मिल गया तुम्हें? हैं? तुम्हारे पति को देखने के लिए टाइम मिल गया? क्या कर रही हो, तो कहाँ कहाँ चोट लगी है? लीजिए ध्यान से। अरे माँ का फोन, तुम उठाओ। हम नहीं उठाएंगे। तुम उठाओ। अच्छा, बहुत चालाक है, जानते हैं ना, अम्मा चिल्लाएंगी डांटेंगी, इसी लो देवयानी तुम उठा लो, हम नहीं उठाएंगे। तो बड़ी वाले हिटलर है, बात करते हैं। हेलो माँ। बेवकूफ, करण यहाँ वापस आ गया है, और वो भी सही सलामत। माँ, असंभव माँ, ऐसा हो नहीं सकता। अरे माँ, उसके हाथ में भी चोट लगी है। अरे मैंने खुद मारा उसे, और देखा भी है। अगर करण के हाथ में कोई जख्म का निशान नहीं है, इसका मतलब वो करण है ही नहीं।
हाथ पे चोट का निशान तो है, तब तो ये करण ही है। चल, क्या नाटक है तेरा? हाँ ठीक, एक बात ध्यान से सुन, तू कितना भी नाटक कर ले मुझे पता है कि तू सेठी है। और करण बन के क्यों घूम रहा है तू? हाँ मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ, मैं करण हूँ, करण प्रसाद। आपका सिद्धार्थ मुंबई में शूट कर, ट्रस्ट मी। अच्छा चल शॉट निकाल, शॉट निकाल अपनी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं साबित कर सकती हूँ मेरे सिर के पीठ पे टैटू है। अगर वो हुआ तो करण को ही नहीं सकता। अभी पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या है। एक मिनट प्लीज 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 करिश्मा जी, मुझे आपको ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं करण। ओके प्लीज बिहेव योरसेल्फ। अभी तो मैं पीठ पर टाटू देखकर ही रहूंगी। तेजी तो आपको पीठ पर टैटू नहीं? ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? हाँ मैंने सब देखा है, क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ मासी जी, ये हमारा प्राइवेट मैटर है, आप तक ना दे तो बेहतर होगा। पता नहीं इस घर के बुढ़े लोगों को जल्दी नींद क्यों नहीं आती। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि सबकी नींद उड़ जाएगी। अरे हम सिर्फ आपके दूध पी लेंगे। क्या कहा था मैंने तुमसे, तुम्हें सिर्फ आराम करना है। इन सब चीजों का स्ट्रेस तुम्हें नहीं लेना है। चलो उठो 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 करण, जब तक हमारा ये नन्हा मुन्ना मेहमान नहीं आ जाता तब तक आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे। करण दूध हम पी लेंगे। दूध करण, आप हमारी चिंता मत कीजिए, अब आप आ गए हैं ना, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और अगर आप हमें इतना लाड करेंगे तो हम और हमारा बच्चा दोनों ही बिगड़ जाएंगे। नहीं मेरा बेटा तो मेरे जैसा होगा, आई डोंट थिंक वो बिगड़ेगा। बेटा? आपको तो बेटी चाहिए थी। बेटा कब से चाहिए? तो मुझे बेटी ही थी, छोटी सी प्यारी सी आभा। लेकिन अब आभा को ही बेटा चाहिए तो मैंने सोचा कि बेटा चलेगा। ओ वैसे एक और चीज हो सकती है। जुड़वा बहुत मजा आएगा, पता ही नहीं चलेगा किसने खाना खाया है और किसने नहीं, किसने शरारत की है और किसको डांटे। मजा आएगा ना? हाँ मजा तो आएगा, लेकिन संभालेंगे कैसे? ट्विंस को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम दोनों है ना, हम दोनों मिलके संभालेंगे। चलिए अब आराम कीजिए। आप चलो 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 दूध पियो, पियो या पिलाओ? पिलाइए। तेरी मेरी आंखों में जो सपने थे धीरे धीरे सारे पूरे हो रहे, कभी लगे जैसे तुझको पाए हम, कभी लगे जैसे खुद को खो रहे। अगर ये कर रहे हैं और सिर्फ मुंबई में है फोन तक नहीं किया, उसकी हिम्मत कैसे है? मुझे इस छवि में डालकर खुद वहां आराम से शूटिंग कर रहा है। अभी बता दे।
मुझसे और इंतजार नहीं होता, क्यों ना हम अखबार में इश्तेहार दे दें? प्रतिभा, इंतजार तो मैं भी नहीं कर पा रहा, अगर हमने अखबार में इश्तेहार डाल दिया तो सारी दुनिया को रणछोड़ के बारे में पता चल जाएगा और इस समय घर में जो खुशी का माहौल है, मेरे बच्चे रणछोड़ के बारे में जानकर मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेंगे। अब अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता प्रतिभा। सब्र करो प्रतिभा, वो हमारा अपना है, वो जाएगा तो कहां जाएगा, घर लौट के ही आएगा। हो सकता है वो कहीं हमारे आसपास हो और हमें नजर नहीं आ रहा है। मुझे फोन डायल क्यों? करण मुझे मुंबई से फोन क्यों करेगा? और ये सेल मुंबई से उज्जैन कैसे पहुंच गया? मुझे पता करना ही होगा। मेरा फोन है। ये सिट का फोन तेरे पास? वो एक्चुअली मेरा फोन एक्सीडेंट में कहीं घूम गया था और जब से मुझे हॉस्पिटल में मिला तब उसने मुझे अपना फोन दे दिया, कहीं इमरजेंसी में मुझे किसी को फोन करना पड़े इसीलिए। थैंक यू, गुड नाइट। क्या कहा था मैंने? हम जानते हैं ज्यादा चलना फिरना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं, पर अगर हम इतना भी नहीं चलेंगे तो फिर वो भी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं ना करण। और हम कहाँ गए थे? नीचे मंदिर में ही तो गए थे, आपके और हमारे होने वाले बच्चे के लिए प्रार्थना करने। तो ठीक है, आज के बाद ये काम भी मैं कर लूंगा, अपना, तुम्हारा और अपने होने वाले बच्चे का, तीनों का ध्यान मैं ही रखूंगा। ओके? देखो अब मैंने कपड़े वपड़े सब निकाल लिए हैं। सब कुछ? मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे आभा, मेरा टाल दे दो प्लीज। फिर से भूल गए ना? दरवाजा तो खोलिए। नहीं, रहने दो। क्यों? पहले तो आप जानबूझकर टाल भूलते थे, अब क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों, शर्म आ रही है? नहीं, वो कहना अब कि वो मुझ पे जख्मों के बहुत निशान है तो मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें देख के घबराओ। पर अब आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। फोन? हाँ। तो सिद्धार्थ जी का फोन है हॉस्पिटल से। हेलो,
आप करण प्रसाद की रिश्तेदार बोल रही हैं? जी जी, उनकी अस्थियां हमारे पास हैं, आप आकर ले जाइए।